शेरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गीदड़ उनके बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान से देखिए इस बच्चे को, ये पूरी रात सरहद पे लड़ा है, पूरी रात सरहद पे लड़ा है, पबजी 6 बजे तक खेला है और अब इसका ये हाल है। ऐसे बच्चों को ना उठाएं क्योंकि जब हम सो रहे थे ये हिफाजत कर रहे थे हमारी। पहले हमारे घर में बहुत शांति हुआ करती थी, फिर एक दिन मैंने जन्म लिया। मेरे क्यूट से बेबी का बर्थडे आ गया, क्या विश नहीं करोगे? आपको मौका मिला है, क्या उसकी झोली खुशियों से नहीं भरोगे? प्लीज विश कर दो। हर औरत की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चा ही एक ऐसा इंसान होता है जिसे वो चाह कर भी नाराज नहीं रह सकता। तुम अच्छे लगते थे इसीलिए तो भाव दिया ना, वरना इग्नोर करने में हमने PhD कर रखी है। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे COVID-19 से बहुत डर लगता है। मैं कुछ सावधानियां भी बरत रही हूँ। मैं रोज सुबह ना योगा करती हूँ, मैं वॉक पर भी जाती हूँ, मैं पानी में हल्दी मिला के पीती हूँ, मैं नमक पानी के गरारे भी करती हूँ, मैं दिन भर गर्म पानी पीती हूँ और मैं नींबू पानी भी पीती हूँ। उसके अलावा मैं च्यवनप्राश खाती हूँ, काली मिर्च खाती हूँ, लौंग भी खाती हूँ और मैं कच्चा अदरक खाती हूँ, कच्चा लहसुन खाती हूँ और मैं उसके अलावा बादाम काबुली, अंजीर काबुली, खुरमानी भी खाती हूँ और मैं तुलसी वटी, गिलोय वटी, नीम वटी भी खाती हूँ और मैं Camphor 1 mg टैबलेट भी खाती हूँ, SCQ टैबलेट भी खाती हूँ और जो होम्योपैथी दवा होती है ना आर्सेनिक एल्बम, उसकी मैं 5 बूंदें 2 चम्मच पानी में मिला के महीने में 5 बार लेती हूँ और उसके अलावा मैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और इवरमेक्सिन टैबलेट भी ले रही हूँ। डॉक्टर साहब इतना काफ़ी है ना, मुझे बहुत डर लगता है। बस कर पगली, नहीं तो अमर हो जाएगी। ओ भैया, ये अपना देश में लॉकडाउन लुंगी की तरह है, ऊपर से तो कसकर गांठ मारी है, बाकी नीचे सब खुला है। कोरोना के जाने के बाद एक तूफान आएगा, भरोना, बिजली का बिल, घर का किराया, स्कूल की फीस, EMI, भरोना। बाइक पर 1, कार में 2, मृत्यु में 20, शादी में 50 की ही अनुमति दी गई है, तो फिर स्कूल में सैकड़ों बच्चे कैसे आ सकते हैं? क्या हुआ अगर हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए तो? सांसद तो बन ही जाएंगे। कोई बोलता है मेरा ये साल खराब गया, कोई बोलता है मेरा वो साल खराब गया, इसीलिए भगवान ने 2020 बनाया और सबका एक साथ ही साल खराब कर दिया। 20 साल स्कूल चलाने के बाद आप 2 महीने की सैलरी नहीं दे सकते और हम घर बैठ के 3 महीने की फीस दें? काहे हमने घर में नोट शार्पनिंग मशीन लगा रखी है। भाई देखो सीधी सी बात है, इस साल को मैं अपनी उम्र में नहीं जोड़ने वाला। भाई जब इसका हमने यूज ही नहीं किया तो क्यों जोड़ें भाई, हैं? और आप सब BJP वाले बोलते मैं भी चौकीदार, चलो मान लेते। अब सवाल ये उठता है कि जब कोरोना देश में घुसा तो ड्यूटी पे कौन था? क्या कहा, जहर खरीदने जा रहे हो?
ये दुकानों पर नहीं, लोगों की जबानों पर असली मिलता है। हे भगवान, हम घर नहीं बैठे हैं, कृपया करके धरती ने हिला डुला। कौन कहता है कि शोक और जिद सिर्फ माँ बाप पूरे करते हैं? अगर हस्बैंड अच्छे हो ना तो शौक भी पूरे होते हैं और जिद। कभी कभी रिश्तों में फासले लाना भी जरूरी होते हैं, ताकि आपको पता चले कि वहां पर आपकी अहमियत और जरूरत है भी या नहीं, या आप खुद ही बोझ बनकर उन पर लदे हुए हैं। क्योंकि कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद ही सोच कर रखते हैं। बात समझ में आई? विश्व के मुकाबले इंडिया में कोरोना संक्रमण कम है, क्योंकि हमारे यहाँ हाथ मिलाने की जगह टांग खींचने की परंपरा कुछ ज्यादा है। भैया एक बात बोलूं कि जब तक अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर ना जाए ना, तब तक यकीन मत मानना कि कोरोना चला गया है। सुबह उठकर घर का काम करने में जो खुशी है ना, मुझे होनी चाहिए। आज यार हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि हम आज बाहर घूम भेजे हैं, 36 पुलिस वालों ने लाइक कर दी। यदि कोरोना पॉजिटिव ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि नेगेटिव लोगों को ढूंढ ढूंढ के क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर हमारे घर में एक चोर घुसाता है और हम उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, तो क्या हम उस चोर को अपने घर से एक चम्मच भी ले जाने की इजाजत देंगे? क्या हम उस चोर को अपने घर से एक माचिस की तीली भी ले जाने की इजाजत देंगे? नहीं ना। तो ऐसा कैसे है कि अगर हमारी जिंदगी में एक चोर घुसाता है, एक ऐसा इंसान जो हमसे हमारी खुशियां छीनना चाहता है, हमारी खुशियां चुराना चाहता है, और ये हम उसे चुराते हुए पकड़ लेते हैं, लेकिन तब भी किसी हद तक हम उसे हमारी खुशियां ले जाने की इजाजत दे देते हैं। उस चोर को हम पकड़ चुके हैं, लेकिन तब भी वो चोर हमारी खुशियां छीन के हमसे ले जाता है। हम उस चोर को इतनी इजाजत कैसे दे देते हैं, इतनी इज्जत कैसे दे देते हैं? गणित बेशक हमारा कमजोर है, लेकिन हिसाब सबका करेंगे। कोरोना ही नहीं, खुद को फैलने से भी रोकें। Thank you.